और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। आज बात करेंगे राजस्थान को लेकर। जी हाँ, राजस्थान से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, पहले भिलवाड़ा और अब हनुमानगढ़ से जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, इस पर अब अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, यहाँ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रशासन को कड़े शब्दों में कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिस तरह से लगातार राजस्थान के हर एक हिस्से से हिंसा की खबरें आ रही है, हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है, उस पर अब अशोक गहलोत का कहना है कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और जनता को राहत मिले। और यहाँ पर अशोक गहलोत ने प्रशासन को आदेश दिए हैं। कहा गया है कि जिस तरह से छोटे छोटे हिंसा हो रहे हैं, जिस तरह से छोटी यहाँ पर मारपीट होती है, उसके बाद उसे बड़े हिंसा में तब्दील कर दिया जाता है, बड़े हिंसा का वो रूप ले लिया जाता है, इस पर अब प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रशासन को अब पहले ही से तादाद रहना पड़ेगा, पहले ही से ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह की जो हिंसा, छोटी छोटी जो हिंसा है, वो बड़ी रूप ना ले ले। और यहाँ पर जिस तरह से अशोक गहलोत का बयान आया है, देखने को तो यही लग रहा है कि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस तरह से राजस्थान में माहौल खराब हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को जिम्मेदार जो है ठहराया जा रहा है, और ये जिम्मेदारी अब जो है अशोक गहलोत को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार राजस्थान में तो उन्हीं की है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हनुमानगढ़ में देखा गया कि दो गुटों के बीच जिस तरह से झड़प होती है और वहां पर एक नेता घायल हो जाते हैं, वहां एक तरफ प्रशासन का कहना है कि ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, यहाँ पर मामूली सी झड़प हुई थी और लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, चोट भी मामूली सी लगी है। लेकिन जिस तरह से हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम करवाया, देखा तो यही जा रहा है कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले माहौल खराब करने की कोशिश, और यहाँ पर मैं कहूँ तो साजिश की जा रही है, और इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अब अशोक गहलोत ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की सोच भी है, और जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को फटकार लगाई है, अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान में माहौल सुधरता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।